एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार त्यागी, जो लगभग गुरुजी के साथ 35-40 सालों से जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में उनका निवास स्थान फिलहाल नहटौर में वो रह रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद या गुरुजी से मिलने के बाद उनकी क्या अनुभूति रही, क्या उनके जीवन में बदलाव आया। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए एक बार। और मैं डॉक्टर राजेश कुमार त्यागी, जी निवास स्थान मेरा आकू था, जी आकू रहना। अब मैं नेटोर भी रह रहा हूँ जी जी और दोनों जो बच्चे सब नेटोर में रहते हैं। अच्छा, और गुरुजी से मेरा 86 में जी 1986 में मेरा भेंट हुई। और उस समय की बात है कि जब मैं घर पे था और गुरुजी के साथ एक संत हुआ करते थे जिन्हें ब्रह्मानंद जी कहते थे, जी जी तो ये दोनों लोग कहीं से आ रहे थे और घर पे गए थे। वहाँ मेरी भेंट हुई इनसे और एक रात फिर मेरे पास रुके गुरुजी। और उसी दौर में इनसे काफ़ी सफ़र हुआ, हम बहुत आकर्षित हुए। हालांकि हमने उस वक्त में जब भेंट शुरू शुरू में हुई तो अनबानी, चूँकि मैं कई बहुत शुरू से बचपन से संत लोगों में रहता था, जी जी काफ़ी मेरा रुचि थी। कहीं भी जरा सा भी हुआ मठाधीश का, चाहे अंगड़ी बंगड़ी कोई सा भी हो, उसके पास में चला जाता था। जी जी तो मैं सोचता था कि क्या शायद, क्योंकि जिज्ञासा परमात्मा की तरफ से कोई प्रारब्ध होगा ऐसा। तो उसी दौर में फिर मैंने जब गुरुजी से भेंट हुई तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अब संत से, मैं हो सकता है मैं ओशो से संपर्क करूं, जी अब मैं ओशो का अनुयायी बनूं। तो गुरुजी ने समझाया और समझाने के बाद में बहुत अच्छा, अच्छे। उस हाँ टाइम पे ओशो का प्रचलन था। ओशो तो उससे पहले भी था, उससे अच्छा भी अच्छा था, अच्छा लेकिन उससे साथ में फिर मैंने देखा कि मतलब बात जब हुई नरम गरम हुई और गुरुजी की मुस्कुराहट और वो इस तरह से लगते रहे, फिर मैंने कहा उसके, स्वामी जी मैं आपको, मैंने गुरु भी नहीं कहा, स्वामी जी कहा। और अच्छा मैंने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे विवेकानंद जी की तरह से जब कोई विशेष बात देखूंगा तभी गुरु कहूंगा, ऐसे गुरु नहीं बनाऊंगा अच्छा किसी को। जी तो पहले काफ़ी लोगों में संपर्क रहा था, नाथ संप्रदाय में भी रहा, नंद बाबा में भी रहा कि गिरी थे, एक बिरजानंद गिरी जो सबसे शुरू में हमें जिन्होंने जिद्दी समझी थी। और इसी बीच में हमारा एक ये भी था, सन 12वीं में जब हम पढ़ते थे हमारे एक हिंदी के प्रवक्ता जी थे, उनका नाम था सीपी शर्मा। तो सीपी शर्मा जी ने मेरी पता नहीं क्यों रुचि सी देख करके उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आना इंटरवल में। जी मैं गया तो उन्होंने अलग बैठे थे, वे भी आध्यात्मिक आदमी थे कुछ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम, मुझे लगता है तुम्हारी रुचि आध्यात्म में बहुत है, आप एक महाशक्ति का एक मंत्र दे रहा हूँ जो ब्रह्मांड की तीनों शक्तियों के लिए वो होता है। जी जी उन्होंने कहा कि दुर्गा सरस्वती का एक बीज मंत्र, उन्होंने मुझसे कहा कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र उन्होंने मुझे दिया और इसका फिर मैंने खूब उच्चारण किया। उच्चारण किया। और मतलब फिर उन्होंने बताया कि चलते फिरते भी आप, तो फिर तो मेरी ऐसी रुचि बन गई कि एक सेकंड भी उस ज़माने में ना तो फ़ोन थे, कोई जी रुचि ऐसी नहीं थी, बस या तो कोई किताब विताबें पढ़नी आध्यात्मिक और बाकी अपना सुमरन। तो उसके बाद आप गुरुजी से मिलते कैसे थे या क्या बस आपका रहता था? गुरुजी उसी समय जब भेंट हो गई तो गुरुजी ने हमारा पता ले लिया। हम उन दिनों संभल में, संभल क्षेत्र में एक गांव है राजीहेड़ा, जी जहाँ पर मैं अपनी दुकान करता था। जी बस जी गुरुजी का हमारा खतो किताबत होने लगा। उसके बाद में जब कभी कभी फिर हम आते थे गुरुजी अपने घर पर, इतवार जी जी के दिन सत्संग होता था, क्योंकि तो शनिवार में आते थे, आप बिजनौर रहते थे, जी और उसके बाद में आते थे तो हम भी उसी ऐसे हिसाब से आते थे वहाँ से अपने बच्चों से मिलने के, जिससे कि हम इतवार का सत्संग भी कर सकें। उसके बाद गुरुजी के संपर्क में रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे मन में कुछ उच्चारण मतलब उच्चाट सा होने लगा, हम जब साधना करने बैठे जब भी हमें परेशानी होने लगी, जी क्या तो उस परेशानी में फिर हमने किस तरह की परेशानी मतलब होती मन थी? नहीं लगता था, उच्चाट सा रहता था अजीब सा, अच्छा, शरीर में हाँ हलचल शरीर में, रहती थी हाँ अलग। मन मस्तिष्क में भी बहुत था, जैसे हम बड़ी अच्छी साधना हमारी चलती थी पहले, लेकिन वो नहीं हुई। तो गुरुजी ने हमसे कहा, इनका खत काट गया, इन्हें कहा आप यहाँ आ जाओ। तो वो उस जमाने के आप पे कुछ हैं खत वगैरह या हाँ कार्ड खत है वगैरह? मेरे पास, कार्ड है गुरुजी के, ये कार्ड जाते थे मेरे पास अच्छा, ये ये, गुरुजी हाँ खुद आपको लिखते थे? गुरुजी की गुरुजी राइटिंग लिखते, है? हाँ गुरुजी की राइटिंग है। और पहले भी मेरे पास वैसे 20-25 थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे रखे हुए थे कहीं, मैं ये कौन से बच्चों सन से, का है कार्ड? ये ये सन 88 का है जी डेट आप एग्जिट बता सकते हैं जी क्या है? हाँ इसमें ये पीछे शायद पीछे लिखी हुई है ये। हाँ डेट है जी 24/2/1988, अच्छा, उन्नीस सौ अठासी है। तो उन दिनों ये खत आपका, आपकी खत के द्वारा आपकी हाँ हमारे वार्तालाप संपर्क होती थी? जो खत पत्राचारी होता था, जी और गुरुजी का विशेष स्नेह मुझ पर था, और उस समय मैं समझता हूँ मेरा तो एक आध बार मिस भी हो जाता था, लेकिन गुरुजी का हफ्ते में 15 दिन में एक पत्र जरूर पहुँच जाता था आपके पास। अम्मा मेरे तो पास। उसके बाद आपने गुरु दीक्षा क्या दे हाँ के लिए, ऐसा क्या आपको अनुभूति हुई जो बस गुरुजी आपको? ने हमसे कहा कि उसी दौर में कि आप यहाँ आ जाओ, हम वहाँ से चले आए और हम जी शनिवार के दिन घर आए
और रात्रि को घर रुके, सुबह हम गुरु जी के यहाँ थोड़े से बतासे लेकर के चले गए और वहाँ बैठे, तो कुछ और एक दो वहाँ उनके सत्संगी बैठे थे गुरु जी के जी। उनके बाद में वे सब लोग चले गए, एक बजे की आराधना हो गई। उसके बाद फिर गुरु जी ने हमें गुरु दीक्षा, वो उस हिसाब से उन्होंने तीन बतासे बतासे लेकर के बचा, और वो वहाँ उनके ज्योत के नीचे एक परात भरी रखी रहती थी बतासों की, उसको उन्होंने उठाया और उन्होंने लगभग 2-3 मिनट वहाँ नीचे बैठे रहे और फिर उसको उन्होंने इस तरह से फूंक मार के और वो मुझे कहा ये खा लो। और हम दोनों आमने सामने ऐसे ही बैठे थे गद्दों पर नीचे जी जी, बस गुरु जी ने कहा तो हम उनके पैरों में गोदी में सिटक दिया। गुरु जी ने पीठ पर हाथ रखा, पीठ पर हाथ रखना हुआ है वो प्रसाद खिला कर, कर तीन बार हमसे एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा कहलाया, तो हमारे शरीर में एक अजीब घटना घटी जिसको हम मुँह से वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे सरसराहट सी एकदम सी हो गई हो, और उससे जब से हम पहले कुछ थोड़ा क्रोधी किस्म के स्वभाव के आदमी थे तो उस समय से फिर बहुत नॉर्मल और बस समझ बढ़ती चली गई। वो ऐसा बीजारोपण कुछ गुरु जी ने किया जी जो। तो गुरु दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन में क्या बदलाव रहा, क्या आपको लगा? बस फिर तो हम एक ही लाइन पर लगे और केवल गुरु को ही सब कुछ समझा, और गुरु जी ने उनका इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि जिस समय गुरु दीक्षा ली उसके उसी तुरंत बाद में उसी महीने में एकाध माह की बात ही बात है ये जी, एक दो माह की। और एक बार हम क्या देखते हैं, हम सो रहे हैं अपने चबूतरे पे, सो रहे थे अपनी बैठक अपने घर पे ही, हाँ घर पे ही, दुकान पे आ गई जी जी चबूतरा। तो फिर 88 में आ गया था, तो यहाँ फिर हमने अप्रैल के महीने में दुकान खोली थी जी। तो उसी दौर में गांव में खोली थी तो उसकी वजह से हम सो रहे थे, तो हमें ऐसा लगता है कि ऊपर देखने बाद इस तरह के जैसे वो होते हैं ना मौत का कुआं जो दिखाते हैं उसमें जी जी। इस तरह के कई ब्रह्मा ऐसे थे, उनमें किसी में कृष्ण जी बैठे थे तो किसी में शिव जी बैठे थे मैं पार्वती के गणेश जी के साथ, और मतलब ऐसे 200-250 ऐसा देख रहे हैं और हम आकाश में घूम रहे हैं, और वो इस तरह के ब्रह्मांड की वो चीज़ें थी 200 पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी वे, और उसमें सब देवता होते और बड़े प्रकाश था, वो हमें अनुभव हुआ। और उसके बाद में फिर वो चला गया। फिर उसके बाद में हमें एक बार ऐसा हुआ, कोई जुलाई अगस्त का महीना था जी। तो हम रात को सो रहे थे, तो सोते समय हमें ऐसा लगा पश्चिम की तरफ से एक बहुत प्रकाश आया जी। और प्रकाश में उसमें देखते थे हम कृष्ण महाराज हैं। अच्छा, और कृष्ण महाराज की मतलब बहुत देर तक हमने देखा कुछ मामला है, थोड़ी देर बाद हमें फिर अपना आँख से खुली खुली फिर हमने आँख बंद करी तो फिर वो वही नज़ारा फिर वही। हाँ, तो इस तरह काफ़ी वो हुआ। और उसके बाद में हमें एक मतलब ये एक दो साल बाद की घटना जी, सन 89 की है। 89 तो तब से आप निरंतर आश्रम में गुरुजी से जुड़े हुए हैं, आश्रम आप जा रहे हैं। और दूसरी बात है, जिस समय सन 2000 में हमारी माताजी का स्वर्गवास हुआ जी, उसके बाद में 5-6 महीने बाद कुछ घर में थोड़ा सा हल्का सा महिलाओं में मनमुटाव सा हुआ जी जी, तो घर पे हम सोचा भाई बच्चे बच्चे अपने अलग अलग, बड़े भाई से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा कि भैया खाना इनको लोग बनाना, बच्चे बड़े हो गए बना रहे खाना बना ले करेंगे जी जी। कारोबार अभी आज तक भी साझे नहीं है जी जी, और मतलब अपना करते खेती नहीं बट कुछ ही हुआ, खेती वेती कोई नहीं बटी। बस उसके बाद गुरु जी से हमने कहा, तो उस समय हमें आके थोड़ी सी क्योंकि हमारी तो आशी केवल गुरु जी थे, तो उनके पास हम गए और हमने उनसे कहा, तो उन्होंने गले खड़े थे हम दोनों इस जब ये आश्रम बन गया था जी जी जी। उस दौर में सन 2000 की बात है, तो बस उसे असाई दरवाला तो कुछ पोर्सन बन भी गया था, और वहीं उसके सामने खड़े थे चबूतरे पर, उन्होंने मुझसे बैठे गले लगा लिया थोड़ा सा, फिर बात में उन्होंने सिर्फ हाथ फेर कर उन्होंने कहा कि कुछ कहना मत भाइयों से, सब ठीक होगा, भैया ईश्वर की कृपा हुई, कहाँ से तो पैसा आया, कहाँ कुछ आया, मेहनत करोगे बाहर मीच के, जब से आपके जीवन में मंगलमय है वही मंगलमय रहा, कोई और दिक्कत जी जी, और हमने कोई किसी उसको झंझट में नहीं पड़े। तो डॉक्टर साहब, आज के समय में आप धर्म गुरुओं को जैसा देखते हैं, तो सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों में आप ऐसा क्या अलग देखते हैं जो और धर्म गुरुओं में नहीं है? देखेगा और सब लोग कुछ कुछ शास्त्रों के आधार पर टिके हुए हैं कुछ जी, लेकिन गुरु जी का शास्त्रों के आधार पर चाहे कितना भी कुछ हो उनका जी जी प्लस है या माइनस है, गुरु जी में जो गुरु जी दैविक आत्मा है, गुरु जी संसार की ऐसी मामूली इस तरह से नहीं, विशेष रूप से वो किसी बड़े बड़े अवतार भी माँ बाप से पैदा हुए हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरा अनुभव ये है कि विशेष कोई फरिश्ता है जो ईश्वर की तरफ से कोई शक्ति आई हुई है जी, कोई ईश्वरीय शक्ति है गुरु जी में। आम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी साधना करके बहुत बड़ा कुछ वो होने हो जी, लेकिन उसको तो कोई प्रारब्ध के ही इतने उच्च कोटि के संत है, और पता नहीं जो ईश्वर की कृपा से उन्हें जो काम हो तो भगवान जाने गुरु जाने, हम तो केवल श्रद्धा से उनको प्रणाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या क्या रहती है, क्या आप साधना करते हैं, कैसे आपका जीवन अब इस वक्त कैसा चल रहा है आपके? क्या मैं आपसे बताऊं, जहां साधना की बात आ रही, मेरी दिनचर्या लगभग 4 बजे खाट छोड़ना जी, और 4 बजे खाट छोड़ना, अपना फ्रेश व्रेश होकर हाथ मुंह धोकर कुल्ला उल्ला करके और थोड़ी देर के लिए मैं अपना श्रवण क्रिया करता हूँ, और लगभग मैं 1 घंटा 1.25 घंटा
मेरे पैर जब तक थकते हैं उसे बैठता हूँ, उसके बाद में उठ करके फिर अपना घूमना में चला जाता हूँ। अगर अपना घर की जो दिनचर्या अपना कारोबार जो है अपना झाड़ू झाड़ू सफाई पाई करवाई, उसके बाद में नहा लेता हूँ और नहाने के बाद फिर मैं बैठता हूँ द्वारा साधना में। वो एक माला का जो सम्मान है उस समय मैं दिनचर्या में 10-5 रुपए अपने एक गुरु जी के चरणों में रखता हूँ। आप निकालते हैं प्रतिदिन पे डेली? उसे मेरा बहुत टाइम हो गया जी जी जी। इस टाइम से दान स्वरूप में 1-10 का नोट गुरु जी के चरणों में रखता हूँ, उसके बाद में एक माला रखता हूँ और उनकी प्रार्थना कर करके पहले प्रार्थना पढ़ता हूँ, फिर एक माला कर कर फिर उसके बाद में उनका धन्यवाद कर और बस अपना फिर भोजन कर करता हूँ। अच्छा, और टाइम की आराधना है मेरी कब? हाँ, शाम की कर लेता हूँ कि दिन टाइम मिलता है जी जी। बस तो लगभग आपको 35 से 40 साल गुरु जी से जुड़े हुए हो गए होंगे। हाँ, आप लगा लीजिएगा कि 86 में पहली भेंट थी जी जी, 86 में और 87 मैंने गुरु दीक्षा ले ली। अच्छा अच्छा। 87 में लगभग अगस्त के टाइम पे वो मूर्ति उसमें निकली थी, कोई उसी टाइम पे मैं आया था वहाँ से जी जी, उसी दौर में मैंने बोली। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।